मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं वकालत के प्रोफेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। बच्चों द्वारा ये पूछा गया है किस फील्ड में वकालत की जाए, हाउ टू चूज द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस। सबसे अच्छा प्रोफेशन है ये वकालत का। LLB करने के बाद आप लॉयर बन जाते हैं, फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको देना होता है जिससे आपको सनद प्राप्त हो जाती है जो आपको एडवोकेसी के रूप में किसी भी न्यायालय में पैरवी करने की अनुमति देती है। वकालतनामा आप फाइल कर सकते हैं, किसी क्लाइंट की ओर से केस लड़ सकते हैं। इसके अलावा किस फील्ड में प्रैक्टिस की शुरुआत की जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो सारी फील्ड अच्छी हैं, आप ऐसा ऑफिस ज्वाइन कीजिए जिसमें सिविल, क्रिमिनल, इसके अलावा आपके सभी तरह के मल्टी वेराइटीज केसेस, फैमिली लॉ से संबंधित, ट्रिब्यूनल से संबंधित केसेस, सर्विस मैटर वगैरह, जो सीनियर एडवोकेट हैं वो सभी काम करते हो, जिससे हर फील्ड का आपको शुरू में अनुभव हो जाए। और मेरा ये सुझाव है कि आप जब भी किसी सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करें हर फील्ड का काम सीखिए। शुरुआत है, आपकी नींव मजबूत होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी, तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। जहाँ तक क्रिमिनल केस का सवाल है, क्रिमिनल केसेस की ट्रायल जल्दी होती है, इसकी प्रोसीजर भी सरल है और केसेस जल्दी निपटते हैं, फीस भी अच्छी मिलती है, तो लोग यंगर एडवोकेट हैं वो इस क्रिमिनल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सिविल बेस है और इसमें नींव, आप सिविल का काम जिस व्यक्ति ने कर लिया वो किसी भी फील्ड में अच्छा महारत हासिल कर सकता है, ऐसा मेरा सुझाव है। तो आप जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का काम सीखें, सारा प्रोसीजर समझिए, कोर्ट्स का आपको आइडिया होगा, प्लेंट कैसे फाइल होता है, सिविल केसेस में जवाब दावा कैसे आता है, इश्यूज कैसे बनते हैं, एविडेंस कैसे होती है, पूरी ट्रायल, सिविल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल आपको आना चाहिए। प्रोसीजर के लिए आप रोज कोर्ट जाएं, वेल ड्रेस्ड रहें, डेकोरम से रहें और आप अच्छा, तो सर्विस मैटर में भी अच्छा पैसा मिलता है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऑफिसर्स के टर्मिनेशन, डिसमिसल, वेजेस से संबंधित कई डिस्प्यूट आते हैं, तो फाउंडेशन जैसा मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपकी अच्छी हो सकती है, ये सीख लें आप। और इसके अलावा कोर्ट से जल्दी जब आपके केसेस निपटने लगेंगे तो आपको काम भी मिलेगा, हर तरह का काम आप करेंगे तो आप एक अच्छे लॉयर के रूप में हर फील्ड का अनुभव रखेंगे। ऑलमोस्ट सिविल, क्रिमिनल, लेबर, सर्विस मैटर, ट्रिब्यूनल्स वगैरह में आप जाएंगे, हर तरह का काम सीखिए, काम कीजिए। और हाउ टू चूज द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, आप कोर्ट ऑफिसर बन जाएंगे और आप निश्चित तौर पर इस पढ़ाई के जरिए अच्छे से मन लगाकर काम करेंगे तो एक सफल एडवोकेट के रूप में आप महारत हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जहाँ तक चैनल का संबंध है, इस चैनल से जुड़े रहिए, छोटी छोटी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ जो लीगल फील्ड में आपके काम आएंगी। इसके अलावा एडवोकेसी की फील्ड के बारे में मैंने जैसा बताया, आप फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस, कैसे स्टार्ट करेंगे, इस तरह की भी बातें मैंने बताई हुई हैं। कोर्ट प्रैक्टिस आप कैसे करें, रोजाना जाएं, नियमित तौर पर ऑफिस जाएं, नियमित तौर पर सीनियर के साथ रहें और काम सीखने का प्रयास करें, छोटे मोटे केसेस हैंडल करने के लिए उनसे मांग लें, तो जब आप रोजाना ये सब कार्य करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रयास में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक चैनल अर्चना आरटी अप के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।